मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उधम सिंह नगर दौरा आज है। मुख्यमंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी जिसमें सीएम बहुउद्देश्य शिविर में हिस्सा भी लेंगे। मुख्यमंत्री स्कूल बसों का फ्लैग ऑफ करेंगे। सीएम नेशनल क्वाइकिंग प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। तो आपको बता दें ये बड़ी खबर है सीधे उत्तराखंड से, जहां सीएम कई दौरे करेंगे, नेशनल क्वाइकिंग प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे सीएम। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उधम सिंह नगर का दौरा आज है। मुख्यमंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे, जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम। तो हमारे सहयोगी नसीम जुड़े हैं हमारे साथ। जी नसीम, जिस तरीके से सीएम का ये दौरा है और जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बैठक भी है, तो इस बैठक में क्या कुछ बातें हो सकती हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आज एक दिवसीय जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का रुद्रपुर दौरा है, तो इसको काफी अहम महत्वपूर्ण देखा जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है पार्टी कार्यालय में पहुंचकर जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। तो इसमें जो दशा और दिशा, जो विकास की दिशा है, वो यहाँ के जिले के लोगों के विषय में बातचीत होगी, क्योंकि और यहाँ के विकास को सुधारने का और संभालने का काम जो है इस पर चर्चा की जाएगी। इसमें जो है यहाँ पर कई महत्वपूर्ण जो कार्य हैं वो सौंपे जाएंगे कार्यकर्ताओं को, और आगामी जो होने वाली जो उनकी रणनीति है उस पर जो है बातचीत होगी। इसके अलावा जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बैठक के बाद सीधे जो रुक करेंगे वो सीधे बहुउद्देशीय शिविर जो गांधी पार्क में चल रहा है वहां पर शिरकत करेंगे, और मिशन खुशियों के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों के बहुउद्देशीय शिविर में प्रतिभाग एवं मुख्यमंत्री और आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत स्कूल बसों का फ्लैग ऑफ भी करेंगे। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री जो है अगला कार्यक्रम जो मुख्य आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत स्कूल बसों के फ्लैग ऑफ के बाद नेशनल काइट जलाशय जो कनाइंग प्रतियोगिता है वह उसका समापन होना है, वहां पर वो उसमें शिरकत करेंगे। इसके बाद जो है जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी होगी, जिसमें वहां की सारी समस्याओं को जानेंगे, अधिकारियों की बातों को जो है सॉर्ट आउट करेंगे और उनकी बातों को समझेंगे। इसके अलावा जो यहां पर इन्वेस्टर समिट की बैठक होनी है, उस पर जो है इन्वेस्टर समिट की बैठक में बातचीत होगी, चर्चा होगी यहाँ, क्योंकि ये औद्योगिक नगरी है रुद्रपुर, और इसके विषय में सारी जो है जानकारियां हासिल करेंगे। इसके अलावा जो है रात को जो यहाँ पर यूएस नगर में जो चलने वाला कार्निवाल है उसमें शिरकत करेंगे, और उसके बाद रात्रि विश्राम भी वो रुद्रपुर में ही विश्राम गृह में करेंगे। इसके अलावा जो कल सुबह को वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी जी नसीम, जिस तरीके से जिला अधिकारियों के साथ सीएम की बैठक है, तो क्या सीएम के संज्ञान में यहाँ के जो बेसिक चीजें हैं, जो लोगों की परेशानियां वो हैं, इस वजह से वो जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उनको दिशा निर्देश देंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, क्योंकि काफी समय से यहाँ पर जो है अपराधों का ग्राफ बढ़ा है, जाहिर सी बात है कि कई अपराध यहाँ पर लगातार हो रहे हैं, और इस पर जो है पुलिस शिकंजा कसने में नाकामयाब हुई है, तो इस विषय में भी वो इस पर जो है चर्चा करेंगे अधिकारियों से। और इसके अलावा जो यहाँ, क्योंकि ये औद्योगिक नगरी है रुद्रपुर, तो यहाँ के जो समस्याएं हैं वो उसको भी जो है किस तरीके से शॉर्ट आउट किया जाए प्रशासनिक स्तर से, तो उस पर भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे विकास का मुद्दा है, जो विकास को लेकर के बात जो होना है, जो रुद्रपुर जिला है और रुद्रपुर अपने आप में एक उत्तराखंड के अंदर विशेष स्थान रखता है, तो इसको भी लेकर के जो यहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं उस पर भी बातचीत होगी कि इस शहर को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और इसका विकास कैसे किया जाए। जी जी नसीम, वही जिस प्रकार से सीएम का दौरा है, तो दौरे को लेकर तैयारियां क्या हैं और सुरक्षा को लेकर क्या चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि सीएम का ये महत्वपूर्ण दौरा है, इसको लेकर के जो है प्रशासन ने बड़े चाक चौबंद इंतजाम कर रखे हैं, और यहाँ पर स्थानीय पुलिस बल के अलावा पीएसी आईआरबी और जिला स्थानीय प्रशासन जो है पुलिस प्रशासन वो सब पूरी तरीके से चाक चौबंद है, और जो सीएम की सुरक्षा के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। जी जी नसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ खबर पर जुड़ने के लिए।